वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम डॉक्टर सरबप्रीत कौर है ते मैं प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी की बेटी हाँ। अज असी प्रोफेसर जोगिंदर सिंह पॉडकास्ट आरंभ कर रहे हाँ ते विसाखी के उपलक्ष्य उन्हों का पहला लेख तुहाडे अगे रख रहे हाँ जो कि है गुरु गोबिंद सिंह जी ते खालसा सिरजना। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक देव जी की जोत ते जुगत का ही दसवां रूप हैं। गुरु परंपरा विच आदि गुरु गुरु नानक देव जी हैं ते अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। गुरु नानक देव जी ते गुरु गोबिंद सिंह विच ना कोई द्वैत है अते ना ही अंतर भेद है। दोहां दा इष्ट प्रभु एक है, दोहां दी जोत ते सोच एक है, दोहां दा अनुभव प्रकाश ते ज्ञान उपदेश एक है, दोहां दी जुगत एक दूजे दे कारजां नूं पूरक ते संपूर्णता प्रदान करन वाली है। जे गुरु नानक देव जी ने धर्म, सिख, संगत, अमृत, शब्द गुरु ते निर्मल पंथ दे संकल्प स्थापित कीते हन तां दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हां सारे संकल्पां नूं अपनी आत्मक ते ज्ञान छोहां प्रदान करके हर पक्खों संपूर्ण, समर्थ ते सार्थक बना दिता है। गुरु परंपरा विच गुरु गोबिंद सिंह जी दा योगदान ते स्थान सृजनात्मक अते संपूर्णता प्रदान करन वाला है। गुरु नानक देव जी ते सारी गुरु परंपरा विच एक सिरजना निर्मल या निराला पंथ दी सी। निर्मल पंथ गुरु मार्ग भी सी, गुरु सिख संगत भी सी, गुरु संस्था जथेबंदी भी सी। निर्मल पंथ दा मार्गी जा मेंबर उही सी जिसने गुरु परंपरा विच दसे या दर्शाए धर्म मार्ग नूं जीवन जाच दे हर खेतर विच अमली रूप विच ग्रहण करके अपने आप नूं अमृत क्रिया नाल शिंगार लिया सी। अमृत क्रिया वाला शुद्ध रूप एक धर्मी हुंदा है। होमे, हंकार, विकार, मोह, बिख्या रस, बै बंधन, लोभ, लालच वर्गियां पशु बिरतियां ते वो आज़ाद भी हो जाता है। वो सरकार या हाकम का मुहताज होन नालों प्रभु गुरु का गुलाम या गोला होना वधेरा पसंद करता है। गुरु नानक देव जी ते गुरु परंपरा वालों सिरजे ते स्थापित किते निर्मल पंथ नूं धर्म मार्गी सिखा नूं ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने विसाखी 1699 नूं श्री आनंदपुर साहिब विखे बुला के खालसा सिरजना की सोच नूं संपूर्ण किया से। खालसा सिरजना किसी इतिहासक घटना का साखे का प्रतिकरण नहीं है, ना ही वह किसी धर्म की सुरक्षा लई खालसे की सिरजना हुई है। खालसा तो अकाल पुरख की फौज है। यह खालसा फौज की सिरजना परमात्म की मौज विचों हुई है, किसी व्यक्ति चमत्कार विचों नहीं। यही कारण है कि खालसा कदी हाकम जा व्यक्ति पूज नहीं होया। वह सदा प्रभु ते पंथ दा मार्गी बन के धर्म ते अमृत दे जीवन क्रिया विच रहत विच जींदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सीस पेट करन वाले जिन्हें पहले पंज सिखां नूं अमृत चका के खालसा सजाया सी, उन्हां नूं पंज रहतां विच रह के ते चार कुरीतां तो मुक्त हो के रहन दा भी उपदेश, आदेश जां रहनी संजम दिता सी। ओ मुख तौर ते शुद्ध रूप विच सिख नूं धर्मी ही नहीं सिरजदा, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਆਦਰਸ਼ਾਂ, ਖਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।